स्टूडेंट्स, आज हम कोपाट्रेड का न्यू चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका कि नाम है कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम वेरियस टॉपिक्स को कवर अप करेंगे वन बाय वन। जैसे कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड द लास्ट वन इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने पहले टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। किसी भी चीज़ को स्टूडेंट्स हम सिस्टम तभी कह सकते हैं अगर उसके अंदर क्या होगा, फॉलोइंग थ्री कंडीशंस होंगी। अगर ये थ्री कंडीशंस नहीं होंगी तो वो सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगी। यानी कि हमारे पास सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी तीन कंडीशंस हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा पार्ट्स होने चाहिए। सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा पार्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मोनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू है, प्रिंटर है। ये क्या है? एक से ज़्यादा उसके अंदर पार्ट्स हैं। तो सेकेंड कंडीशन आती है कि जिन पार्ट्स को हमने इकट्ठा करा है उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? मतलब कि जितने भी पार्ट्स हमने इकट्ठे करे हैं उन सभी पार्ट्स को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इन सारे पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक रिलेशनशिप के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है, दैट इज़ द इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है कि जिन पार्ट्स को हमने इकट्ठा करा है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने चाहिए, निर्भर करने चाहिए, डिपेंड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारे पास तीन ही काम होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब ये देखिए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो है ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं। आउटपुट जो होती है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करती है प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग आगे फर्दर डिपेंड करती है इनपुट पे। जब तक यूज़र इनपुट ही नहीं कराएगा डेटा को, तब तक प्रोसेसिंग कैसे होगी? और जब डाटा प्रोसेस होगा तभी आउटपुट निकलेगी। यानी कि आउटपुट निकलने के लिए इनपुट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें यह प्रूव होता है कि जितने भी कंप्यूटर के जो हम पार्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं उनके अंदर क्या है, रिलेशनशिप है, और वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हमने इस पॉइंट्स को और क्लियर करना है स्टूडेंट, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी और बिगेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हमारे पास कॉलेज के अंदर क्या है, एक पूरी टीम होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कॉलेज की टीम से समझाती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम कॉलेज लेते हैं या इंस्टीट्यूट ले लेते हैं या फिर एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने कॉलेज लिया तो उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर कौन से एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास मैनेजमेंट, आफ्टर दैट प्रिंसिपल्स, उसके बाद आता है HODs या GIs, आफ्टर दैट टीचर्स, एंड द लास्ट वन इज़ द स्टूडेंट्स। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द पर्सन्स जो क्या करती है, जो एक प्रिंसिपल का चुनाव करती है, प्रिंसिपल को अपॉइंट करती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे इंस्टीट्यूट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। वो यह देखते हैं कि पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई रूल्स तो नहीं वॉयलेट कर रहा, डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए। ये जो है, ये सारी बातों का ध्यान कौन रखता है? प्रिंसिपल्स रखते हैं। प्रिंसिपल्स के अंडर कौन काम करते हैं? दैट इज़ द HODs। HODs को हम बोलते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर GIs, या आप कह सकते हैं ITIs में GIs होते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप इंस्ट्रक्टर्स। वो क्या है, टीचर्स के ऊपर हेड है। वो ये देखते हैं टीचर्स अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज जो प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, मैथ का डिपार्टमेंट अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स को HODs जो हैं वो हैंडल करते हैं। आगे फर्दर GIs के बाद हमारे पास आते हैं टीचर्स।
टीचर्स का काम क्या होता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है. वो जो टीचर्स होते हैं वो पूरी अपनी मेहनत और लगन से क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. अब आपने ये देखा कि इसके अंदर क्या है, मैं इस पूरी हॉल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल रही हूँ, एक सिस्टम का रूप दे रही हूँ. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास पॉइंट कवरअप होता है कि इट हैज़ मोर देन वन पार्ट्स. इसके अंदर देखिए हमारे पास मोर देन वन पार्ट्स हैं, इसलिए ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया सिस्टम का, ये सिस्टम के अंडर आता है. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रिलेशनशिप. रिलेशनशिप कैसे बनेगा कि जितने भी हमने पार्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं ये सारे के सारे जो भी पार्ट्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं. अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे होगा, सबसे लास्ट वन देखिए स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स अगर किसी इंस्टीट्यूट में होंगे तभी उस इंस्टीट्यूट की वैल्यू है. स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे. अगर पढ़ेंगे उनको पढ़ाएगा कौन, आगे फर्दर टीचर्स पढ़ाएंगे. ठीक है, टीचर्स को आगे फर्दर गाइडेंस या उनकी प्रॉब्लम्स को कौन हैंडल करेगा, GIs या डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो हैंडल करेंगे. आगे जो GIs हैं या जो HODs हैं वो को उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रिंसिपल कंट्रोल कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेड है. आगे प्रिंसिपल का चुनाव कौन करता है, मैनेजमेंट करती है. अगर प्रिंसिपल अपने इंस्टीट्यूट में अच्छा काम करेंगे, अच्छी रेपुटेशन बना के रखेंगे, डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन करेंगे, उससे क्या होगा, उस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन होगा. इससे क्या होगा, मैनेजमेंट को इनकरेजमेंट मिलेगी. क्लियर हो गया? यानी कि हमने इस एग्जाम्पल से यह जाना कि यह क्या है, सिस्टम का पार्ट है. नेक्स्ट लास्ट वन मैं आपको बताती हूँ कि इंटरडिपेंडेंसी का इसमें कंडीशन कैसे होल्ड करती है. इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे पर निर्भर करना. जैसे स्टूडेंट्स डिपेंड करते हैं टीचर्स पे, जब तक स्टूडेंट्स को टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स कैसे नॉलेज गेन करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे. विदाउट टीचर्स के हेल्प से स्टूडेंट एग्जाम दे ही नहीं सकते, इसलिए टीचर्स का होना बहुत जरूरी है और HODs का भी होना बहुत जरूरी है. अगर HODs या GIs ITI में नहीं होंगे तो टीचर्स कैसे काम करेंगे, यानी कि उनके रिकॉर्ड को भी तो कोई चेक करेगा. इसलिए HODs या GIs का होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं होते हैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस इंस्टीट्यूट का क्या हल होगा, उसमें डिसिप्लिन की जगह अनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा. कोई रूल्स रेगुलेशंस को वॉयलेट करेगा, कोई भी पहाड़ का पर्सन ऐसे अननेसेसरी वे से एंटर करेगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है. यानी कि कहने का मतलब है प्रिंसिपल जो है वो मेन पर्सन है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी कर रहा है, मैनेज भी करता है और प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है. आगे फर्दर है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या वो उसके लायक है कि नहीं है, मतलब वो डिसाइड करते हैं. यानी कि हमने इस इंटरडिपेंडेंसी पॉइंट के अंदर हमने यह जाना कि अगर इसमें से एक भी पॉइंट मिसिंग होगा तो हमारा वो सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाएगा. स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो इंस्टीट्यूट की कोई वैल्यू नहीं है. टीचर्स अगर इसमें से मिस कर दिए तो स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा. अगर GIs मिस हो गए तो टीचर्स के ऊपर काम कौन करेगा, टीचर्स का रिकॉर्ड कौन चेक करेगा. अगर प्रिंसिपल्स ही नहीं हुए तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा इंस्टीट्यूट के अंदर. यानी कि हर एक स्टेप की, हर एक पार्ट की अपनी एक वैल्यू है, एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है. अगर ये सारे पार्ट्स होंगे, इन सब में रिलेशनशिप होगा, इन सब में इंटरडिपेंडेंसी का कंसेप्ट होगा, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, तभी वो एक सिस्टम कहलाने के लायक होंगे. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या है. सेम उसी स्टेप्स में आपको मैं बताऊंगी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी वही होता है. हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं. यहाँ पर हमने कौन कौन से पार्ट्स लेने हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. सबसे पहला जो मेन पॉइंट है दैट इज यानी कि हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर, सेकेंड वन इज द सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज द यूजर. यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर का होना बहुत जरूरी है. अब व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यूज़र आसानी से टच करके फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं हार्डवेयर. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर क्या क्या होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी की सारी डिवाइसेस. ये क्या डिवाइसेस होंगी, फिजिकल डिवाइसेस होंगी जिनको यूज़र आसानी से टच कर फील कर सकता है, दैट इज़ द हार्डवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर के अंदर लिखी जाती है, जो यूज़र इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देता है, ये कहता है कि यू हैव टू डू दिस इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू परफॉर्म दिस इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन. यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को दी जाती है कोई भी काम करने के लिए. यूज़र कहता है भी ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए, वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है. सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन हम नेक्स्ट पॉइंट पे कवर अप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे डिटेल के अंदर.
उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यूज़र। यूज़र क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाया जाता है। जो कंप्यूटर को चलाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाते हैं। अगर यूज़र नहीं होगा तो कंप्यूटर को कौन चलाएगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़र का होना बहुत ज़रूरी है। यूज़र ही तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को एंटर करेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और रिजल्ट निकलेगा। ऐसे ही मैंने दो पॉइंट्स आपको ये भी बताए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। एक पॉइंट इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दोबारा रिपीट करूंगी कि क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता और विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन बींग की एक बॉडी है, ह्यूमन बींग की बॉडी एज अ क्या रोल प्ले कर रही है, एज अ हार्डवेयर का रोल प्ले करती है, और ह्यूमन बींग के अंदर जो सोल होती है वो एज अ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। चलिए अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका कि नाम है डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस या वो कमांड्स होती हैं जो यूज़र कंप्यूटर को देता है कोई भी टास्क या कोई काम करने के लिए। या फिर सॉफ्टवेयर की हमारे पास एक अलग से डेफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड प्रोग्राम्स दैट आर डिज़ाइन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि एक यूज़र की एक खास प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। अब स्टूडेंट्स आपको यह अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रॉब्लम की तरह है। प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस का समूह है जो यूज़र कंप्यूटर को देता है वन बाय वन। यह बताता है कि इस इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में फॉलो करो, और इस इंस्ट्रक्शन को जब आप सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मैं अब आपको बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर कैसे रिलेटेड प्रोग्राम से बना होता है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल से ज़रूर बताऊंगी। अब देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हुआ, मैंने डेफिनेशन में बोला कि सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड प्रोग्राम्स। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है एक से ज़्यादा प्रोग्राम को मिला के बनता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम होगा प्रोग्राम वन, प्रोग्राम टू, प्रोग्राम थ्री, अप टू सो ऑन, उसके अंदर अनेक प्रोग्राम्स होंगे। ये सारे के सारे अनेक प्रोग्राम्स क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे, जो कि क्या बनाएंगे, मिलके एक सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, कॉलेज का रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए। कॉलेज के सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, एक फर्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन जो है स्टोर है, जैसे स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, वो कौन सी स्ट्रीम में उसने एडमिशन ली है, उसका मदर्स नेम, उसके फादर्स नेम, ये सारी की सारी क्या होगी, प्रोग्राम वन में स्टोर होगी। यानी कि प्रोग्राम वन में क्या स्टोर होगा, स्टूडेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब ऐसे ही सेकंड प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट की फीस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कि स्टूडेंट्स ने कौन कौन से मंथ कितनी कितनी फीस दी है। और थर्ड प्रोग्राम के अंदर उसकी स्टूडेंट्स की फाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ प्रोग्राम आएगा, उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट्स के रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। क्लियर हो गया, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स थे। सबसे पहला प्रोग्राम में क्या स्टोर था, स्टूडेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारा कुछ उसके अंदर स्टोर था। और सेकंड प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट की फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर थी कि उस स्टूडेंट का क्या नाम है, उस स्टूडेंट्स ने कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, और उस स्ट्रीम की क्या कितनी कितनी फीस थी। थर्ड में उसके स्टूडेंट्स की फाइन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी कि स्टूडेंट्स का क्या फ़ाइन है, क्या उसने लेक्चर बंक किया है, या फिर उसने कोई कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा है या डैमेज करा है, तो उससे रिलेटेड उसका क्या क्या फ़ाइन है।
और फोर्थ प्रोग्राम के अंदर उसकी क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी कि उसका क्या रिजल्ट आया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, क्या उसके मार्क्स हैं, क्या उसका टोटल है, क्या उसकी परसेंटेज है, बच्चा पास है कि फेल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फोर्थ प्रोग्राम के अंदर स्टोर होगी। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए, अब कोई क्वेरी लगाता है कि मेरे को उस स्टूडेंट का नेम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए जिसकी परसेंटेज 80% से अबव होगी, क्या उसके अंदर कोई फाइन तो नहीं है, क्या उस स्टूडेंट्स के ऊपर कोई फाइन तो नहीं है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स वो कहाँ से निकल के आएगी, ये सारे प्रोग्राम से निकल के ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। यानी कि हम यह समझते हैं कि ये सारे प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन तभी आएगी जब ये सारे प्रोग्राम आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, कनेक्टेड होंगे, तभी तो आएगी ये सारी इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये पूरे का पूरा होल टास्क क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। आगे हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने थर्ड टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर की टू डिफरेंट टाइप्स होती हैं, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास टू टाइप्स आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके नाम से स्टूडेंट्स आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चला सके, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर यह सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, जैसे हम एज्यूम करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक सोल की तरह वर्क करता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर सोल नहीं होगी तो हमारी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेम इज़ द केस हेयर कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक हार्डवेयर है उसके अंदर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। हमारा जो कंप्यूटर होगा वो एज अ ब्लैंक बॉक्स होगा, डिब्बा होगा, वैसे वर्क करेगा, मतलब बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड प्रोग्राम्स दैट आर डिज़ाइन दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, क्या करता है ये कंट्रोल भी कर रहा है और मैनेज भी कर रहा है, या देखता है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कौन देखता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है। इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इसके अंदर इंटरनल जो भी इसके अंदर स्टोर होता है वो यूज़र के साथ लिंक नहीं होता, यूज़र को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ये इनबिल्ट होती हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इनक्रीज़ कर देता है, उसकी उसको इन्हांसमेंट कर देता है उसकी। तो हम आपको इसके एक डायग्राम से इसको समझाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है हार्डवेयर, उसके बाद हार्डवेयर के ऊपर क्या स्टोर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है यूज़र। यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर के अंदर जान कौन डालता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डालता है। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या रोल अदा कर रहा होता है, एज अ सोल की तरह काम करता है। जैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मेन सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, हार्डवेयर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये फर्दर सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये डिपेंड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन करेंगे अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन चलाएगा, यूज़र चलाएगा। यानी कि यूज़र इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी मदद से चलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको रन करेगा, हार्डवेयर को, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को रन करेगा। विदाउट हैविंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर आवर कंप्यूटर सिस्टम कांट वर्क। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये मेन सॉफ्टवेयर जो है नहीं होगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। यानी कि यूज़र्स, मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या है, ये लिंक क्रिएट कर रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लाई बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यूजर इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यह हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को जो है कंट्रोल भी करता और मैनेज करता है। स्टूडेंट्स अब आप बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर। यूजर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ये यूजर द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूजर ओरिएंटेड होते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था ये सिस्टम को चलाने के लिए बनाए गए थे। तो ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये है सिस्टम ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। अब हम आगे बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहली टाइप है दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड अ कंप्यूटर, हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करता है। यानी कि जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसे ही कंप्यूटर जो यूज़र है वो कंप्यूटर ऑन करेगा सबसे पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नज़र आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट करेगा और तभी वो आगे फर्दर काम कर सकता है। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल स्टडी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पहले हमारे पास होते थे विंडो एनटी, विंडो 7, यह सारे हमारे पास यूज़ होते थे। विंडो 7 के बाद आई विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो विस्टा, विंडो 10, ये सारे हमारे पास क्या हैं एग्जाम्पल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, विंडो एनटी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, ये विंडो 10, ये सारे क्या है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो क्लियर हो गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डिवाइस ड्राइवर्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइस ड्राइवर्स? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी डिवाइसेस को ड्राइव करने में मदद करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट समझिए, जैसे जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है ना, तो उसके अंदर ना कुछ पहले से ही ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं कुछ जो है डिवाइसेस को चलाने के लिए, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही आते हैं ना, तो इनके ड्राइवर्स जो है वो पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिटेड होते हैं कि जब यूज़र माउस और कीबोर्ड को चलाएगा तो उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हमने कोई एडिशनल जो है डिवाइसेस लगानी है, जैसे प्रिंटर है या प्लॉटर है या स्कैनर है, इस तरीके की अगर हमने डिवाइसेस लगानी है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसके ड्राइवर सबसे पहले इंस्टॉल होंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, तभी यह डिवाइसेस क्या करेंगी, चलेंगी, ऑपरेट होंगी। क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? अब हम आगे बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये कैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं। हमारे पास वेरियस टाइप्स के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नंबर वन, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत टाइप्स की हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डिस्क को क्लीन करने का काम करता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम करते हैं तो कुछ एक अनवांटेड फाइल्स जो हैं वो बन जाती हैं, जैसे कुकीज़ की जो फाइल होती हैं, तो यह क्या करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उन अनवांटेड फाइल्स को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, जिससे कि डिस्क जो स्पेस होगी वो क्लियर हो जाती है। आगे है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं और उसको डिलीट करते हैं, बनाते हैं फिर डिलीट करते हैं, इससे क्या होता है वो फाइल्स जो होती है वो सब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, और ये जो फाइल्स जो सब पार्ट्स में डिवाइड होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ट्रैक्स के अंदर, सेक्टर्स के अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है वो स्टोर हो जाती है। उन
जब हम उन फाइल्स को ओपन करेंगे तो वो सारी क्या होगी, सारी फाइल्स पहले कलेक्ट होंगी फिर उसके बाद ओपन होंगी, यानी कि इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जो फाइल्स सब डिवाइडेड हुई है ना, उन फाइल्स को कंबाइन करके फिर उसको कनेक्ट करके उसको ओपन करता है, जिससे कि क्या होगी, मेमोरी की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी, मेमोरी स्पेस की कोई वेस्टेज नहीं होगी। तो क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय वायरस, वायरस क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो उससे उससे क्या हो गया, जब उसको कोई बीमारी लगी या उसको फीवर हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो यूज़र है, यूज़र की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो जब वो बीमार हो गया, उसके काम करने की एफिशिएंसी कम होगी, तो क्या करेगा, वो मेडिसिन लेगा। मेडिसिंस क्या है, एंटीवायरस का रोल अदा करेंगी। जैसे ही वो मेडिसिन इनटेक करेगा तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया के साथ लड़ेगा, उसका जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करेगा। और जैसे बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है उसके बॉडी के अंदर का वायरस जो है जैसे जैसे कम ख़त्म होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो फीवर से क्या कर दीजिएगा, रिकवर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वायरस से लड़ने का काम करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा वायरस आ जाता है तो उस वायरस को दूर करने का काम करते हैं। एंटीवायरस के हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे क्विकिल है, नोट्रॉन है, ये सारे क्या है, एंटीवायरस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास डाटा बैकअप सॉफ्टवेयर। डाटा बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डाटा बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूज़र के डाटा की एक कॉपी क्रिएट करके रख लेते हैं। इन फ्यूचर अगर यूज़र को लगे कि हमारा डाटा जो है ख़राब हो सकता है, तो क्या होता है, डाटा बैकअप सॉफ्टवेयर उसकी कॉपी क्रिएट करके उसकी एक अलग डिफरेंट लोकेशन में स्टोर कर देते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई डैमेज हो जाता है या कोई पावर फेलियर हो जाता है, तो अगर यूज़र की कोई फाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस डाटा बैकअप स्टोरेज सॉफ्टवेयर की मदद से वो जो डाटा है यूज़र का, वो रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दैट इज़ द डाटा कंप्रेसर। डाटा कंप्रेसर्स क्या करते हैं, डाटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, अगर हमारे पास यूज़र का बहुत लॉन्गर डाटा है, अगर डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कम स्पेस है, या कुछ ऐसी फाइल्स बन गई हैं जिनकी लेंथ जो है, जिनकी साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, तो डाटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, उस फाइल्स के साइज़ को कंप्रेस कर देते हैं, उसका फाइल का साइज़ छोटा हो जाता है, इसलिए भी वो क्या करते हैं, उस छोटी सी स्मॉल स्पेस के अंदर वो ईजिली स्टोर हो जाती है। क्लियर हो गया, आपने पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में हमने पढ़ा कि डिस्क क्लीनअप क्या है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, एंटीवायरस, डाटा बैकअप, डाटा कंप्रेसर्स, ये क्या है, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही आ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, पूरी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कर देते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सिस्टम ओरिएंटेड है, सिस्टम को बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, दैट इज़ द मशीन लैंग्वेज, और हम इस मशीन लैंग्वेज को अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि ये यूज़र द्वारा बनाए गए हैं, यूज़र अपनी सहूलियत के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है। जैसे यूज़र ने कंप्यूटर पे अगर कोई क्या कहते हैं वीडियो प्ले करनी है, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, विंडो मीडिया प्लेयर का या VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करेगा वीडियो देखने के लिए, या फिर अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, या कुछ लेटर बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, या टेबल डिज़ाइन करना है, तो वो किस में करेगा, MS वर्ड के अंदर करेगा। कोई गेम्स प्ले करनी है या गेम्स खेलनी है, तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर, यानी कि अलग अलग काम के लिए हमारे पास यूज़र की अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर किसको बोलते हैं, नोटपैड को बोलते हैं। नोटपैड के अंदर क्या फैसिलिटी होती है, यूज़र कोई भी टाइप का टेक्स्ट लिख सकता है, बट उसके अंदर थोड़ी MS वर्ड से थोड़ी सी कम फैसिलिटी होती है। जैसे उसने कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो एक पर्टिकुलर लाइन पे फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती, उसके एंटायर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, या फिर उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिस टाइप की भी वो फॉर्मेटिंग करना चाहता है। टेक्स्ट एडिटर के बाद हमारे पास आता है वर्डपैड। वर्डपैड भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है, उसके अंदर जो फैसिलिटी होती है वो नोटपैड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वर्डपैड के बाद हमारे पास आता है दैट इज़ द MS वर्ड। MS वर्ड क्या को क्या हम बोलते हैं, दैट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हम वर्ड्स के साथ प्रोसेस करते हैं,
जो वर्ड्स होते हैं उसको मिला के हम क्या बनाते हैं, एक लाइन बना सकते हैं, लाइन से एक पैराग्राफ बन सकता है, पैराग्राफ से एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है। एमएस वर्ड के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमने कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, या फ़ॉन्ट साइज़, हमने इंक्रीज करना हो, वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बाद आता है हमारे पास स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब MS Excel। एमएस एक्सेल में क्या होता है, जो शीट होती है वो सब डिवाइडेड होती है रोज़ और कॉलम्स के अंदर, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स के अंदर सब डिवाइडेड होती है। तो उसके अंदर हम कोई भी टेबल या कुछ भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना सकते हैं, या कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना सकते हैं, या एम्प्लॉय की सैलरी हम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से कोई भी हम रिलेटेड हम काम एमएस एक्सेल के अंदर कर लेते हैं। एमएस एक्सेल के बाद आता है हमारे पास, दैट इज़ द MS Access। एमएस एक्सेस को हम, या फिर हम बोल सकते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटाबेस, अब स्टूडेंट्स क्या होता है डाटाबेस? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर देंगे, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड वे में स्टोर होगी कंप्यूटर के अंदर, तो वो डाटाबेस का काम करेगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद हम आपको बताएंगे कि जितने भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं, यानी कि ये जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, या फिर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं। यानी कि इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? एमएस ऑफिस। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अडोब फोटोशॉप हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया। ये क्या सॉफ्टवेयर्स हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। या फिर किसी स्टूडेंट ने नेट से कुछ सर्च करना हो तो वो कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, ये सारे इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा। तो ये भी सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ जिसमें हम जानेंगे कि बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका कि नाम है बेसिक ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास थ्री मेन बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, फिर आती है असेंबली लैंग्वेज, फिर उसके बाद आती है दैट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर को सिर्फ दो ही नंबर समझ में आते हैं, दैट इज़ द जीरो एंड द वन। ये दो नंबर्स को हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। जीरो का मतलब होता है ऑफ स्टेट, मतलब कि ये होता है पैसिव स्टेट, और वन का मतलब होता है ऑन स्टेट, इसको हम एक्टिव स्टेट भी बोल सकते हैं। अब ये जो लैंग्वेज है ये 0-1 के ऊपर बेस्ड है, इसको सिर्फ वही पर्सन समझ सकता है जिसको इसकी नॉलेज होगी। यानी कि ये एक्सपर्ट या स्किल्ड पर्सन ही समझ सकते हैं, जिनको इसकी लैंग्वेज की समझ होगी वही इसी प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोग्राम अगर इसी लैंग्वेज में बना गया होगा तो उसको समझना, पढ़ना, याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो सारी की सारी उसके अंदर जो कोडिंग होगी वो 0-1 की फॉर्म में होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है? अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ द असेंबली लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी होगी कि नई लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि पुरानी लैंग्वेज में कोई कमी होती है, तभी उसको रिमूव करने के लिए न्यू लैंग्वेज आती है। इसलिए पुरानी लैंग्वेज में 0-1 यूज़ हो रहा था, बाइनरी नंबर्स यूज़ हो रहे थे, जिसको समझना, याद करना, उसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा यूज़र को मुश्किल हो रहा था। सिर्फ एक्सपर्ट पर्सन ही इसके साथ काम कर पा रहे थे। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज आई, दैट इज़ द असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर 0-1 की जगह हमारे पास सिंबल्स का यूज़ होने लगा, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एडिशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐड। अगर किसी चीज़ की
सब्ट्रैक्शन करनी हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब, मल्टीप्लीकेशन यूज करनी हो तो उसके लिए यूज करेंगे मल्ट। यानी कि ये कुछ सिंबल्स का यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम कर सकते थे, इसके ऊपर काम कर सकते थे। अब ये जो लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज से कुछ बेटर थी, इसके साथ काम करना यूज़र के लिए थोड़ा सा इजी हो गया था। इसके बाद हमारे पास जो एक लैंग्वेज आई दैट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी बोलते हैं। हम इसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज के वेरियस एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, कोबोल, ये सारे क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या था? जैसे हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, फोर्टेन, कोबोल, ये सारी क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर कुछ एक वर्ड्स जो हैं इंग्लिश से मिलते जुलते होते हैं, जिनको समझना, पढ़ना, याद करना बहुत ज़्यादा आसान था एज कम्पेयर टू द मशीन लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज। एक बात और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि जो मशीन लैंग्वेज थी ये हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी, और जो असेंबली लैंग्वेज थी ये सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन से अबव हमारी क्या शुरू होने लगी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको यह टॉपिक दैट इज द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो अब हम आगे स्टडी करेंगे दैट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है विद द हेल्प ऑफ विच यूज़र कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर। भी लैंग्वेज की मदद से क्या हो सकता है? यूज़र एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सेटअप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है मान लो दो पर्सन को आती है, तो अगर यूज़र दो पर्सन जो हैं हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा? वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनको किसी तीसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो आराम से अपने जो व्यूज़ है वो शेयर कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर देते हैं कि मान लीजिए दो पर्सन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट दो पर्सन्स की जो लैंग्वेज है वो डिफ़र करती है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती। मान लीजिए एक को आती है हिंदी लैंग्वेज और दूसरे को आती है इंग्लिश लैंग्वेज, वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते बट फिर भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इस केस में वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द थर्ड पर्सन। एक ऐसा पर्सन चुनेंगे जिसको कि वो दोनों लैंग्वेज जानता हो, अगर तीसरे पर्सन की वो हेल्प लेंगे तो उससे क्या होगा? वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो थर्ड पर्सन क्या करेगा? एक लैंग्वेज को सुनेगा, उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूसरे पर्सन को बता देगा, इससे कि क्या होगा? दोनों पर्सन की कम्युनिकेशन सेटअप हो जाएगी इनडायरेक्टली वैसे। ऐसे ही हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं कंप्यूटर्स में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं? एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे? एक असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। कौन करेंगे कन्वर्ट करने का काम? दैट इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब हम आगे जानेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन कौन से होते हैं। अब तीन तरह के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द असेंबलर, सेकंड वन इज़ द कंपाइलर एंड थर्ड वन इज़ द इंटरप्रेटर। अब बात आती है कि असेंबलर क्या है, असेंबलर ट्रांसलेटर क्या करता है? असेंबलर क्या करेगा? एक असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि ये एक सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। उस मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। अब सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं।
यानी कि अब इस केस में असेंबलर क्या करेगा, सिर्फ सोर्स कोड यानी कि जो प्रोग्राम सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड क्या हुआ, ऐसा प्रोग्राम जो ट्रांसलेट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि असेंबलर का आपको काम क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया कि असेंबलर ट्रांसलेटर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज पकड़ेगा और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। अब ऐसे ही हमारे पास कंपाइलर होता है, कंपाइलर भी क्या करेगा, कंपाइलर का काम क्या होगा, ये भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। यहां पर सोर्स कोड क्या पकड़ेगा, एक हाई लेवल लैंग्वेज को पकड़ेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड को में कन्वर्ट कर देगा। अब कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें क्या है कि यह जो भी प्रोग्राम होगा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जो जाएगा वो एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज द इंटरप्रेटर, लास्ट वन इज द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो कि क्या करेगा, सेम काम करेगा, यानी कि क्या करेगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को ये भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बट इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें जो एक एक इंस्ट्रक्शन होगी उसको वन बाय वन ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड के अंदर, यानी कि जो एक लाइन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है उसको वन बाय वन ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसमें कंपाइलर क्या करता है, पूरे होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है ना, किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये होल प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करेगा, होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। यह जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम के अंदर जो एक एक इंस्ट्रक्शन होगी उसको वन बाय वन ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले मैं आपको जरूर रिवाइंड करवाना चाहूँगी कि आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।